हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ नेशनल रेल म्यूजियम चाणकपुरी दिल्ली में। मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकूँ बहुत अच्छी तरह। और आप भी आइएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे देखना। और देखने के लिए रेल म्यूजियम में सारी चीज़ें रखी हुई हैं एक्चुअली। और जब से ट्रेन स्टार्ट हुई थी इंडिया में, उसके अलावा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। पुरानी ट्रेन और टॉय ट्रेन भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे उसका लुफ्त ले सकते हैं। चलती चार्जेस 200 है उसका। तो आप आइए वीकेंड को जब भी आपको टाइम लगे चाणकपुरी दिल्ली के पास में। मैं आपको मेट्रो स्टेशन वगैरह की डिटेल भी सारी जल्दी ही दे दूँगा, तो आ सकते हैं यहाँ पे। और बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, अभी खुला हुआ है ये इस टाइम पे। और चार्जेस 100 रुपीज़ का अभी है, सिर्फ जो एंट्री चार्ज होगा। ठीक है, वैसी वाला जो एरिया है पार्किंग का एरिया है, यहाँ पे आप जो भी गाड़ी वगैरह आपकी हुई आप यहाँ पे लगा के ये वाला जो गेट है यहाँ से टिकट खरीद के यहीं से अंदर जाएंगे। ये रास्ता अंदर जाने का एंट्री गेट एक्चुअली यही है। एंट्री वाला जो गेट है उसके पूरे वॉल पे बेहतरीन से पेंटिंग बनाई हुई है और बेहतरीन से प्लांट्स लगाए हुए हैं। अंदर कैंटीन वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से कैंटीन बंद किया हुआ एक्चुअली। यहाँ पे एक इंजन है जिसका नाम है जॉन मॉरिस फायर इंजन। बहुत बेहतरीन और पुराना मॉडल, और इतना बेहतरीन तरह से ही यहाँ पे रखा गया म्यूजियम में। ये स्टीम के इंजन है, शुरुआत में जो चलते थे 1770 में जो चलता था वो ये वाला है। उसके बाद ये वाला ऊपर आया स्टीम लोको वॉट 1400 के है, 14000। उसके बाद उसका नाम है ईस्ट रेल, ईस्ट इंडियन रेलवे डबल थर्ड क्लास, एक सैंपल है। गाइस आप जरूर आइए अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। रेलवे जब से शुरू हुआ था तब से अभी तक सारे जिस तरह के भी इंजन रेल और ट्रेन बने हुए हैं, उन सारे का सैंपल यहाँ पे मेंशन ले। इस ट्रेन के बारे में लिखा है, स्वतंत्र आंदोलन में रेल का योगदान। महात्मा गांधी ने भारत भ्रमण से किया और स्वराज्य का संदेश छोटे गांवों तक पहुँचाया। रेल डब्बों पर भारत छोड़ो आंदोलन के पोस्टर लगे रहते थे। महात्मा गांधी जहाँ जाते भीड़ उन्हें रेलवे स्टेशन मिलती और वो वहाँ स्टेशन पर ही संबोधित करते थे। गाइज इसके अलावा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, टाइमिंग इसकी जो रहेगी वो 10 to 5 रहेगी, ट्यूसडे टू संडे। मंडे को क्लोज रहेगा। मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट भलाकुआं, INA या जोरबाग पड़ेगा, आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं उसके बाद। उसके अलावा पार्किंग के जो चार्जेज हैं इसमें 10 रुपया पर आर से है टू व्हीलर के लिए एंड 20 रुपीज़ पर आर है फोर व्हीलर के लिए। इसके अलावा पटरी में बिछाने में जो भी टूल्स एक्चुअली जो पार्ट मैंडेटरी होते हैं वो भी मेंशन किया है यहाँ पे। सारी चीज़ें एग्जीबिशन में रखी हुई। इलेक्ट्रिक से जो ट्रेन चलती है उसका एक सैंपल दिया हुआ है, ओवरहेड इलेक्ट्रिक मॉडल, आप पढ़ सकते हैं जो भी इसमें मेंशन है। ज़्यादा डिटेल अगर आप चाह रहे हैं तो ये कुछ बड़े स्टेशन जो हैं इंडिया के वो सारे इसमें मैप में मेंशन किए हुए हैं। ये ट्रैक जो रहता है इंडियन रेलवे का, उसका कुछ सैंपल दिखाया हुआ है। पटरी पे जो टायर रहते हैं उसका इस तरह से सैंपल दे। और ये जो साइन रहता है लाइटिंग के लिए, उस तरह का ये दिखा हुआ है कि साइन यहाँ पे देखिए कि येलो लाइट अभी चली गई है। और लाइट का जो साइन है किस तरह, किस लाइट का क्या मतलब होता है वो भी मेंशन किया हुआ है एक्चुअली इसमें। जंक्शन इंडिकेटर, टू स्पेस कलर लाइट सिग्नल, मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल, इस तरह से बोर्ड मेंशन है। बोर्ड में किस तरह के साइन का क्या मतलब होता है ये मेंशन किए हैं। और जो भी पार्ट्स वगैरह ज़रूरत पड़ती हैं लाइटिंग वगैरह के लिए, ये मुझे जो लग रहा है लाइटिंग वाला पार्ट है, ठीक है, और वो सारा मेंशन किया है। ये मेंशन है इंटरनेशनल बिल्डर एंड नंबर प्लेट्स। ये बच्चों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, ये भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, एग्जीबिशन लगाया हुआ है।
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेन सारे मेंशन है, आप पॉज करके डिटेल पढ़ सकते हैं। एक्चुअली इतनी सारी ट्रेन हैं, समझ में नहीं आ रहा किसकी वीडियो बनाएं किसकी ना बनाएं, क्योंकि बहुत सारी हैं, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं डिटेल सारी। मैं मेंशन कर रहा हूँ कि सारी सारी ट्रेन में कवर कर पाऊँ। इंडियन रेलवे की जो क्रेन्स यूज होती हैं वो यहाँ पे शो की गई हैं। जो ट्रेन है बीच वाली कालका शिमला में जो चलती है वो ट्रेन मेंशन की गई है। सबसे ऊपर जो है सालोन में है, नीचे वाली में लिखा है रिजर्व। यहाँ पे मेंशन किया गया है ख़राब हो जाने वाले सामानों को ढोने के लिए ढकी हुई मालगाड़ी है, मतलब कि सामान जो ख़राब हो जाता है उनके लिए वो सामान इसमें स्टोर रहता होगा और ऐसे उनको रखने के लिए ये बॉक्स या फिर बॉक्स बनाया हुआ है। एक्चुअली हम ये बुलेट ट्रेन का सैंपल लग रहा है मुझे। फ्यूचर में जो बुलेट ट्रेन आने वाली है उसके लिए एक सैंपल यहाँ पे बनाया गया है। फ्यूचर बुलेट ट्रेन इन इंडिया ऐसे मेंशन किया है कि आगे आने वाला जो बुलेट ट्रेन होगा उसका किस तरह की चीज़ें उसमें रहेंगी नॉर्मली वो दिखा है इसमें। ये जो पुल है एक्चुअली जो चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है 359 मीटर का, ठीक है 1178 फीट एक्चुअली, और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है लिखा है, लेकिन ये बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। सबसे ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल है, ऑलरेडी बन चुका है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, ऑलरेडी ये बन चुका है यहाँ पे, और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पुल है ये। कैसे बना हुआ है ये आप एक सैंपल इसमें देख सकते हैं। एक्चुअली ये क्लियर नहीं दिखा रहा है, यहाँ से मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। इस तरह से ये एक सैंपल के रूप में बनाया हुआ है और ये बन चुका है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में ये। अगर हम म्यूजियम से बाहर आए हैं जो अंदर लगे हुए हैं उसके बाहर भी एक्चुअली ट्रेन रखे हुए हैं जो पुरानी पिछले टाइम में चलती थी। एक्चुअली ऑलरेडी मेंशन की हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सारी ट्रेनें मेंशन हैं यहाँ पे रखी गई हैं जो भी पहले चलती पुरानी इंजन की, और वो सारी चीज़ें एक्चुअल में पटरी बना के वो रखी हुई हैं। वीकेंड का टाइम है तो अच्छी खासी फील है आज, यहाँ पे लोग आए हुए खूब सारे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ घूमने। ये मॉडल अभी है नहीं इंडिया में, पुराने मॉडल हैं सारे यहाँ पे रखे हुए, जितने भी पुराने मॉडल हैं सारे मेंशन किए हैं यहाँ पे, सारे रखे हैं ऑलमोस्ट। बच्चों के लिए भी झूले वगैरह अवेलेबल हैं यहाँ पे, और आप बच्चों के साथ आ सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चे लोग खूब इंजॉय करेंगे यहाँ पर, उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे खेलने कूदने का। एक बार के लिए मुझे लगा था ये ओरिजिनल है शिप, एक्चुअली जो ट्रेन है शिप के लिए ले जाने के लिए बनी हुई है। अंदर भी दिखाया था एक्चुअली एग्जीबिशन में जो क्रेनें होती हैं एक्चुअली ट्रेन के लिए ऊंचाई अभी क्यों, शायद ये इसको देखने से लग रहा है कि बहुत पुराना मॉडल होगा। इस तरह की ट्रेन होती हैं क्रेनें हैं ट्रेन में जब कभी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट वगैरह होता है। टैंकर के भी सैंपल हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ये रिसेंट के हों या फिर पुराने हों सारे सैंपल मेंशन के हैं। क्रेन है पुराना है कुछ मॉडल, बहुत पुराना मॉडल लग रहा है देखने से। डांडी मार्च का भी यहाँ पे लेक की एयर ट्रेन में शायद देखने से लग रहा है कि उस टाइम पे शायद इस तरह की ट्रेनें होंगी या फिर यूज किया गया होगा इस तरह का ट्रेन का। ये सैंपल है जहाँ पे लास्ट स्टेशन होता है और वहाँ से ट्रेन कटने का नहीं होता ऑप्शन ना, वहाँ पे इंजन रहता है सिर्फ, वो इंजन इसमें ये जो गोल दिखा रहा है इसमें रख के इसे घुमा दिया जाता है इस तरह से, तो क्या होता है ट्रेन का फेस जो है चेंज हो जाता है पूरा पूरा एक साइड से दूसरे साइड को, उसके लिए एक्चुअली यूज किया जाता है जहाँ पर लास्ट स्टेशन होते हैं वहाँ। ये जो इंजन लग रहा है बहुत पुराना लग रहा है एक्चुअली, बहुत पहले का भी चलता है, उसका एक सैंपल बनाया हुआ है एक्चुअली, सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है।
ये एक सैंपल बनाया हुआ है टनल का, कि कैसे टनल से ट्रेन निकलती है, गुजरती है इस तरह से। आप आइएगा गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। ट्रेनें जब से शुरू हुई हैं तब से अभी तक का सारा मॉडल मेंशन है, सारा मॉडल यहाँ पे मेंशन किया है। ये पुराना मॉडल मेंशन है यहाँ पे, ऑलमोस्ट लग रहा है मुझे जितने भी मॉडल पुराने आए हैं सारे मेंशन हैं, सारे यहाँ पे रखे हुए एक्जीबिशन में एक्चुअली, क्योंकि नेशनल रेल म्यूजियम है, मतलब पूरे इंडिया के मुझे लगता है इतना बड़ा रेल ट्रेन म्यूजियम यहीं पे होगा सबसे बड़ा। अगर यहाँ से शुरू करें, ये एक मॉडल रखा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा ये मॉडल है, ये इंजन का नया मॉडल है, उसमें ईयर लिखा हुआ 1992। उसके अलावा लगे ये लाइन से रखे हुए हैं कब कौन सी ईयर में कौन सा इंजन आया था, तो सारे के सारे इंजन मेंशन किए हुए हैं, सारे के सारे, और इंजन प्लस जो डब्बे बनते थे पहले भी और अभी जो भी डब्बे हैं उस तरह के सारे मेंशन किए हुए हैं, और बहुत वेल मेंटेन है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। और टॉय ट्रेन चल नहीं पा रही है एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो वरना वो ट्रेन की सवारी करके एक्चुअली टॉय ट्रेन की वो भी हम दिखा रहे हैं। बट आइएगा ज़रूर आप यहाँ पे, आप आएंगे बहुत 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 चीज़ें सीखने को मिलेंगी एक्चुअली, कब से ट्रेन शुरू हुई थी, क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में थी और क्या अब है, कितना चेंजेज अगर इसमें है, ये सारी चीज़ें। तो आप आइएगा ज़रूर एक बार यहाँ पे, मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगा आगे भी कि कहाँ पे है, कैसे आप आ सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए ज़रूर आइएगा एक बार आप यहाँ पे, अगर दिल्ली में हैं और दिल्ली से बाहर भी, इधर कभी दिल्ली आना होता है तो भी आइएगा एक बार ज़रूर यहाँ पे, ठीक। ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये कैफेटेरिया है, बट फ़िलहाल के लिए अभी ये वर्किंग नहीं है, बंद किया हुआ है एक्चुअली शायद कोविड की वजह से, लेकिन बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है अभी, ऊपर तो क्लोज है बट बाहर से बहुत बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन यूज़ नहीं हो सकता, नॉर्मल टाइम में शायद यूज़ होता होगा, फ़िलहाल अभी बंद है कैफेटेरिया। गाइस ये वाला जो है नेशनल रेल म्यूजियम, आप अंदर जाएंगे तो सारी चीज़ें अंदर भी मेंशन हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जब से ट्रेन शुरू हुई थी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि जब से ट्रेन शुरू हुई थी और क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे चेंजेस हुए, अब क्या स्टेटस ट्रेन का, ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके अलावा ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया इसमें और ट्रेन, सारी ट्रेन्स मेंशन ऑलरेडी हैं वहाँ पर, ट्रेन्स जो पहले थी चलती थी वो यहाँ पे एग्जीबिशन में ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। और गाइस आपको अगर ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं आती तो फीडबैक दे सकते हैं किस तरह की मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपको डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।